गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू करने वाली थी, फिर मुझे ध्यान आया कि आई शुड शेयर इट विद यू एज वेल। तो हाँ, मैंने स्टार्ट तो किया ड्राई फ्रूट से, एक ही बच गया है तो मुझे लगा कि आपको चलो ही बताते हैं। लेकिन बादाम मैंने खाना फिर से शुरू किया, काफ़ी दिन से छोड़ दिए थे, पर मुझे लगा कि माई हेयर नीड्स सम न्यूट्रिशन और आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद आंवला एज वेल बिकॉज हेयर के लिए अच्छा रहता है। और एग्स भी मैंने उबालने के लिए लगा लिए। एग्स में बायोटीन होता है जो कि केराटिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। केराटिन जो अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आप देख सो, आपको आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि केराटिन ट्रीटमेंट्स हम पार्लर्स में भी लेते हैं, बीच बीच में लेना ज़रूरी है आपके बालों के लिए। बट इट्स बेटर कि आप न्यूट्रिशंस ऐसे लें कि आपका खाने के थ्रू ही ये सब चीज़ें पूरी हो, रादर देन गोइंग फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। हाँ, कभी कभी ये लिए ठीक है, बट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन दैट ओनली, क्योंकि मैंने भी करवाई थी बीच में, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इफ यू नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट। तो मैं ट्राई करती हूँ कि डिफरेंट फ्रूट्स मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करूँ। एप्पल्स तो बहुत सारे हम घर से लेकर आए, मैं घर से लेकर आई हूँ, तो आपको ये पता ही होगा फ्रूट्स में बहुत एंटी ऑक्सीडेंट क्वालिटी होती है, तो विच हेल्प्स यू टू स्टे प्रिजर्व्ड फ्रॉम मैनी डिजीजेज, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, बॉडी में जितनी भी डिजीजेज होती है ना, तो इनमें सारी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये लाइक दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर, गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, एंड गुड फॉर योर हाइड्रेशन रखता है आपको, हाइड्रेटेड रखता है आपको। दिस इज़ अ वेरी फाइब्रस फ्रूट जो कि आपको पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ना, प्रॉब्लम हो, तो उसमें आपको हेल्प करता है टू हैव अ गुड डाइजेशन। एंड दिस ऑल्सो इज़ वेरी नाइस लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर, अगर लाइक ब्लड खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है ये। दोस्तों, डायरेक्टली मैं रात में पहुंच गई हूँ, क्योंकि दिन में मैंने कुछ खास बनाया नहीं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग कुछ किया नहीं। तो यहाँ मैं अब भोपाल आ गई क्योंकि कुछ क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। तो आप देख सकते हो, मैं इतना तो ऑफ कोर्स मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने बस थोड़ा अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, बट विश लिस्ट में हैं ये चीज़ें मेरी जो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम, और जो आज ट्राई की वो आपको बताऊँगी। यहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ है मीठे की, जो भी आपको खाना होगा, केक्स भी आप पेस्ट्रीज देख सकते हो वहाँ पर, वहाँ पर कितनी वेराइटीज़ हैं, मुझे नहीं पता कितने ऑडिबल हों कितने नहीं। दोस्तों, ये इतना सब हमने ऑर्डर कर लिया है और आई कांट वेट टू हैव इट, लॉट्स ऑफ शुगर आई नो, बट कभी कभी चलता है। इसमें नहीं आ रहा। तो दोस्तों, गोपाल में अब गोलगप्पे ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज ये खा के ना बहुत मीठा हो गया था, अब थोड़ा नमकीन और खट्टा भी चाहिए इसको कवर अप करने के लिए। तो मैं बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा रहेगा, तो स्टे विद मी। दोस्तों, यहाँ पे अलग ही पंगा है यार, खुद बनाने पड़ रहे हैं, मतलब इतना मेहनत कौन करे यार, करनी पड़ रही है पेट के लिए, और समझ नहीं आ रही थी कितना मेरे को, क्वान्टिटी का भी पता नहीं चलता मुझे। मैंने आपको कहा भाई गोलगप्पे वाली बेलन जाओ, ये काम ही होना बच्चों का। तो फाइनली मैंने 6 गोलगप्पे भर लिए हैं, लिटरली लाइक 5 to 7 minutes टू फिल देम अप। तो मतलब आधा मन तो मेरा इसको बनते बनाते बनाते ही हो गया, पूरा हो गया, भर गया। पेरेंट्स, मम्मी कई बार बोलती हैं ऐसे कि यार मेरा तो मन भर गया खाना बनाते बनाते, पेट भर गया, और वही वाली मुझे फीलिंग आ रही थी कि कई बार तो क्रेविंग होती है ना, और खुद बनाने लग जाओ तो उतना खाने का मन नहीं होता। तो चलो ट्राई कर लेते हैं, बना ही लिए मैंने तो। चलो, तो दिस इज माई लास्ट वन। मिर्ची लग रही है यार, दो
चीज़ें बच गए तो इसको ना मैं पैक करवा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं खा पाऊँगी, घर पर खाऊँगी आराम से। और मुझे मीठा एकदम से नहीं खाना पसंद आता, तो मीठा तो उसके लिए होता है ना कि थोड़ा थोड़ा खाओ, आफ्टर डिनर हो गया, लिटिल सेक्शन। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अभी वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की, भोपाल से वैसे है तो सुंदर, नो डाउट। तो दो तीन चीज़ें रह गई थी, तो आई टोल्ड देम टू पैक इट अप, बिकॉज ऑब्वियसली इफ आई एम पेइंग फॉर दिस मच, सो व्हाई टू लाइक वेस्ट इट लाइक दैट। तो दोस्तों दो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मेरी विशेस में रह गई हैं, अभी तो एक दो चीज़ें ट्राई की हमने, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी फिर से सब कुछ और ट्राई करूँगी। इतनी प्यारी लाइटिंग है ना, एकदम अच्छा लग रहा है मुझे अपने आप को कैमरा में देख के, देखो कितनी अच्छी वाइब है। मैं ना ऐसे ही आ गई हूँ, घर के कपड़ों में ही आ गई थी, तो आइसक्रीम खाने आ गई थी, फिर मंदिर ही चली गई। तो सेइंग बाय टू गोपाल एज़ ऑफ नाउ, वेरी नाइसली डेकोरेटेड एज वेल, इट्स वेरी अपीलिंग। बाकी घर में डिनर बना है, डिनर करेंगे एक दो घंटे बाद। सो आई एम डन विद वॉशिंग माई फेस, तो आज कैन यू गिव मी पोज। आपने दिलजीत की मूवी देखी है? तो जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ ना अभी, तो मुझे वो डायलॉग उसका याद आ गया कि कौन सी मूवी है यार उस बंदी के साथ, मैम कैन यू करेक्ट माई पोज। तो हाँ, आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ अपने स्किन के लिए। मैंने कल बताया था आपको कि रेगुलरली आई एम नॉट प्रेफरिंग टू डू दैट, बट अभी फेस वॉश करा तो आई नीड टू मॉइस्चराइज एंड आई नीड टू अप्लाई समथिंग ऑन माई स्किन। तो दिस इज़ फ्रॉम केयरिंग कंपाउंड्स, दिस इज़ रिवाइटलाइज एंड रिपेयर नाइट्रल क्रीम। मैंने एक दो बार ट्राई किया है इसे, इट्स गुड, बट हाँ बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, बिकॉज इनमें कुछ भी बोले यार अल्कोहल होता है इनमें, तो अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। कुछ टाइम के लिए इट गिव यू सम ग्लो, बट ज़्यादा हैबिचुअल अपनी स्किन को बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ कभी कभी खेले इसे आज लगा रही हूँ, फिर कुछ दिनों बाद लगा लूँगी। This is how I'm gonna go with it. नींद भी बहुत आ रही है मुझे। I just need to moisturize my lips. Because I cannot stay without that. I think I am done. Now I'm ready to go to sleep because I am sleepy. So thank you so much for watching my vlog. और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, देखते रहिए, प्यार बांटते रहिए, अपना प्यार प्यार से मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।